अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, आपके जो मॉड्यूल में चैप्टर है वो है सिक्स, चैप्टर सिक्स। ठीक है, ये नाइन्थ एंट्रेंस का हमारा चैप्टर है। ठीक है, एट्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? तो हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है, कुछ आइडिया? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिनकी डिग्री वन होती है। ठीक है, बात समझ में नहीं? अब इसमें लिखा है वन वेरिएबल, ऐसे टू वेरिएबल भी होता है। तो बेटा वन वेरिएबल जो होता है आपका, मतलब खाली आप x के टर्म में लोगे पूरी इक्वेशन, या पूरी y के टर्म में लोगे, पूरी z के टर्म में लोगे, या पूरी p के टर्म में लोगे। क्लियर है? तो वन वेरिएबल का मतलब पता है आपका, एक वेरिएबल होगा, एक ए बी सी डी होगी उसमें। समझ गए? जैसे एग्जांपल देते हैं, पहले लिखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी। लीनियर इक्वेशन ये बेटा आपका नाइन्थ क्लास में भी आएगा और ये टेंथ क्लास में भी आएगा। ठीक है, बस टेंथ में क्या होगा, टू वेरिएबल्स में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है द अलजेब्रिक इक्वेशन ठीक है, हुज पावर कह सकते हो और डिग्री। पावर कहने के मतलब ये हाईएस्ट पावर कह दो सही रहेगा। ठीक है, हुज हाईएस्ट पावर ठीक है ऑफ ए वेरिएबल इज वन। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो होगी वन होगी, और कह सकते हो और डिग्री of the polynomial is वन। degree मतलब वन। ठीक है, degree मतलब highest power को बोलते हैं variable की। ठीक है, clear है? जैसे मैंने question लिखी x plus 6 equal to 0, तो यहाँ जब किसी कुछ power नहीं होती, उसकी power क्या होती है, वन होती है। तो वन क्या हो गया हमारा, दिख रहा है वन? तो वन जो है हमारा, ये वन जो लिखा है हमारे पास, ठीक है, तो वन क्या है, highest power है। ठीक है, तो आपका क्या है, ये degree कहलाती है। तो degree क्या होगी हमारी, वन। जिसकी जिस इक्वेशन की डिग्री वन होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ठीक, क्लियर है? अब मैंने ऐसे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। यहाँ देखो x की डिग्री वन है, y की भी डिग्री वन है, पावर वन है, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? डिग्री कितनी है, वन है। हमने लिखा एक्स वन प्लस वाई की पावर वन z की पावर वन इक्वल टू फोर, वो लिखते नहीं है, मगर जिसकी कुछ पावर नहीं होती उसकी वन पावर होती है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, हाईएस्ट पावर वन है। ठीक है, डिग्री वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। बट क्या है यहाँ पे, ये यहाँ तो डिग्री हमारी वन है, ये लीनियर इक्वेशन है, मगर इन वन वेरिएबल है, और ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये कितने हैं, टू वेरिएबल हैं, एक्स और वाई दोनों आ गए। यहाँ पे खाली एक्स था तो वन वेरिएबल था, तो हमें डिस्कस करना है वन वेरिएबल। अभी x की पावर वन, y की पावर वन, z की पावर वन, क्लियर है? तो बेटा यहाँ y की पावर वन आ गई, z की पावर वन आ गई, अब यहाँ डिग्री कितनी है सबकी, वन है, लीनियर इक्वेशन तो है ये, मगर इन थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन ये कितना है, टू वेरिएबल्स है। ठीक है बेटा, और ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, इसको लिख लेना। ठीक है, ये आगे आएगा थ्री वेरिएबल्स वाला बड़ी क्लासरूम में। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसे लिख लो, उसके मेथड होते हैं अलग अलग सॉल्व करने के, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब इसकी डिग्री बताओ, डिग्री कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो उसकी डिग्री कितनी है हमारी, टू है। डिग्री जो आ रही है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, टू है, इसकी तो वन है ना पावर, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है सब में, टू आ रही है एक्स की। ठीक है, तो डिग्री टू हो गई, जिसकी डिग्री टू होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस इसे हमने सीखा सॉल्व करना, इसके रूट्स कैसे निकालते थे हम, जीरोस फैक्टराइज कैसे करते थे। ठीक है, फैक्टर कैसे निकालते थे। ठीक है, यही चैप्टर टेंथ क्लास में भी आएगा तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हमें वहाँ पे भी वही बेसिक तरीका होता है सॉल्व करने का, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, सवाल थोड़े वैसे आए थे कॉम्प्लिकेट सवाल, तो उसको समझना सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी तो हमें इतना पता रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री टू होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है,
अब मैंने ये लिख दिया, अब ये वन वेरिएबल है, समझ रहे हो, ये टू वेरिएबल भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्लियर है। अब हमने लिख दिया भाई यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। यहाँ हाइएस्ट पावर कितनी है, थ्री है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन है, क्यूबिकल, जिसकी डिग्री थ्री होती है वो हमारी क्यूबिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, इक्वेशंस, क्लियर है। बस अब हमें डील जो करना है, हमें लीनियर इक्वेशन डील करना है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्लियर है, ये हमें डील करना है। मैंने तुम्हें बस थोड़ा ओवरव्यू बता दिया, पहचानना सीख जाओ, ठीक है, कौन सी लीनियर है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल देते हैं तुम्हें, तुम पहचानना, ठीक है, अपने आप कि भाई कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी हमारी क्यूबिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसमें बताना है भाई कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, 3s, 3s है, ठीक है, s, 7t, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ठीक है बेटा, 7x स्क्वायर प्लस 4, 9x क्यूब प्लस 3, सेवन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9। एक और लिख देते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक और लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0, चलो एक और ले लो, ठीक है भाई। तो 7x प्लस 3, ठीक है। अब बेटा इसमें बताओ कि भाई कौन सा हमारा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ s है, s की कुछ पावर नहीं तो 1 होगी, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इसकी 1 हो गई, तो कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन, क्लियर है। यहाँ t की हाइएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, तो 3t क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी है हमारी, 1। जब डिग्री हमारी 1 होगी, ये सवाल 9th क्लास में भी आएंगे तुम्हारे, जब 9th क्लास में बैच में आ जाओगे ना, जब चैप्टर है पॉलीनोमियल उसमें आएगा, ठीक है। डिग्री हमारा 1 है तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ डिग्री कितनी है, डिग्री बेटा यहाँ कितनी है, 2 है, देखो हाइएस्ट पावर कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है, तो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। अब यहाँ देखो डिग्री कितनी है हमारी, 2 है, तो कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो यहाँ डिग्री कितनी है हमारी, 3, तो कैसी इक्वेशन है, बताओ, क्यूबिकल इक्वेशन, याद आ रहा है, क्यूबिकल इक्वेशन, ये कैसी क्वेश्चन है, बताओ। डिग्री कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल की 3 है या 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी, 3 है हमारी, तो कौन सी क्वेश्चन होगी, जिसकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिकल इक्वेशन, ये हमारी क्यूबिकल इक्वेशन, क्लियर है। यहाँ बताओ यहाँ कितनी पावर है, 2 पावर है, ठीक है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो कौन सी होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, डिग्री 2 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो जिसकी पावर कुछ नहीं होती, 1 होती है, यहाँ भी 1 होगी, तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, कैसी इक्वेशन होगी हमारी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दो एबीसीडी आ गई इसमें, ये सब वन वेरिएबल, 3 है, 7t, वन वेरिएबल थी, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है कहानी। और इस 7x प्लस 3, बेटा देखो डिग्री कितनी है इस पर, 1 है पावर, हाईएस्ट पावर 7x प्लस 3 है, तो कैसी इक्वेशन हो गई है, लीनियर, डिग्री 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई, क्लियर है। इन इसमें कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, आ रहा है समझ में, तो एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी एक वेरिएबल में, क्लियर है यहाँ तक, लिख लो जल्दी से, नोट करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही कहानी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें, तो इस चैप्टर से 2-3 सवाल तो आने ही आने हैं इंट्रेंस में, 2 तो आएंगे ही आएंगे, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ये, तो हर साल देखना तुम, लास्ट ईयर पेपर देखना उठा के, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता, एक वर्ड प्रॉब्लम पे आया था, एक इक्वेशन सॉल्व करने पे आया था, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं सवाल कुछ, ठीक है। क्वेश्चन 1, एक्स प्लस 5 प्लस 11, ठीक है, इक्वल टू 1/15, ये दे रखा है हमें, क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा इसमें देखो उसका रिजल्ट चेक करना है, चेक रिजल्ट कह रहे हैं कि रिजल्ट चेक करिए, ठीक है, बताओ क्या होगा।
हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे बेटा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 इक्वल टू 1/15 है। जब भी यहाँ क्या है, एक्स वेरिएबल है, ये सब कांस्टेंट है, ये हमारे कांस्टेंट पहले बता चुके हैं, नंबर कांस्टेंट होते हैं, ए बी सी डी जितनी भी आएंगे सब वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ठीक है, क्लियर है। अब ये एक्स बाई फाइव आ गया प्लस 11 इक्वल टू 1/15, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जब भी वेरिएबल निकालना होता है एक्स, तो हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, अकेला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है एक्स प्लस फाइव, इसको साइड रहने दो, तो 1/15, ये 11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11, क्लियर है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 15 वन का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, क्लियर है। 15 को 15 डिवाइड करो कितना आएगा, 1, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 15 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 15, 15 इंटू 11, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 15 इंटू 11, एलसीएम लेना आता है बेटा सबके से, ठीक है। एक्स बाई फाइव इक्वल टू 1 माइनस 15 इंटू 11, तो 15 इंटू 11 कर देंगे तो कितना है, 165 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 165 में से 1 घटाओगे तो माइनस 164 बचेगा, साइन बढ़ेगा आता है, बड़ा कौन है ये, अपॉन 15 डिवाइड बाई कितना था 5, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस 164 अपॉन 15 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 164 अपॉन 3 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, ठीक है। तो बेटा से काटोगे कितना आएगा, इसे छोड़ दो, ऑप्शन मैच कर लेना, पॉइंट में तो पॉइंट में कर देना, वैसे फ्रैक्शन में आंसर दे रखा होता है, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से नोट करो उसे। 23 अभी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, किसी को चेक करना होगा सवाल सही करा है तो एक्स वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, चेक कर लोगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 इंटू एक्स माइनस का 5/2 इक्वल टू 6, ये रखा है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, एक्स वन ज़ा एक्स, ठीक है, तो एक्स वन ज़ा एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 5/2, सामने कितना है 6 है, ठीक है, तो एक्स बाई 3 इक्वल टू माइनस 5/2 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 प्लस 5/2, क्लियर है यहाँ तक, बताओ, ठीक है। अब जब ये करोगे इसे तो कितना होगा, x अपॉन 3 इक्वल टू ये 2a 6 है, नीचे कुछ नहीं है, 1 है, डायरेक्ट कर देते हैं, एलसीएम कितना 2 आएगा, तो 6 2 जा 1 5 जा, डायरेक्ट कर दिया करो, ठीक है, 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस 1 5 जा 5, ये तब करते हैं 1 और 1 हो और कोई नंबर हो एलसीएम में, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 इक्वल टू ये 12 प्लस 5 बाई 2 है, ठीक है, तो 12 प्लस 5 कितना होता है, 17 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 इंटू 3 पर मल्टीप्लाई में आएगा 2 डिवाइड में ही है, ठीक है, क्लियर है। तो x की वैल्यू आ गई 7 से 21, 2 कह रही है 3 1 और 2 कितना 5 51 51/2, तो बेटा x की वैल्यू आ गई हमारी 51/2, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट करो उसे, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा है नहीं मुश्किल, ये सिंपल है, बस क्या है थोड़ा कंसेप्ट फॉलो करना है इसमें, ठीक है, आ रहा समझ में। अब जैसे हम और क्वेश्चन देते हैं इसमें, ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 3, ठीक है, ये रखा भाई x बाई 2 माइनस x बाई 3 इक्वल टू 8, ठीक है, ये रखा है, क्लियर है, x बाई 2 माइनस x बाई 3 इक्वल टू 8, तो बेटा क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम लोगों कितना होगा, वेरिएबल एक तरफ है, नंबर एक तरफ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर नंबर वेरिएबल मिक्स होते हैं तो वेरिएबल एक साइड कर लो, नंबर एक साइड कर लो, सवाल आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे 2 और 3 है, इसका एलसीएम लोगों कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो कितना 2, तो 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x, सामने कितना है 8, क्लियर है। 3x में 2 भी जाएगा तो x बचेगा इक्वल टू 8 इंटू 6 डिवाइड है मल्टीप्लाई में ले जाओ उसे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 8 जा 48, क्लियर है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम बताओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो माइनस लगा है फिर वेरिएबल है y माइनस 2, तो इसको ब्रैकेट में रखना, जब भी माइनस लगाओ तो गलती कराने के लिए डायरेक्ट दे देते हैं माइनस, हम समझते हैं खाली माइनस लगा हुआ है इसके आगे, तो हम ब्रैकेट लगाना पड़ता है,
तो जब हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा हमारा, क्लियर है, 12 हमारा एलसीएम आ गया, क्लियर है। अब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा, 4 आएगा, 4 इंटू वाई माइनस 1, अभी माइनस लगा हुआ है, माइनस डाल लो एज इट इज, ठीक है। अब 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 ये ब्रैकेट में रखना है, देखो माइनस अलग है अपना, y माइनस 2 ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, इक्वल टू 1, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे आप, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 4 का इसमें और 3 का इसमें, 3 का इसमें, क्लियर है। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा ये, 4 इंटू वाई 4 वाई, माइनस 4 वन ज़ा 4, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस आई, माइनस 3 वाई, माइनस माइनस प्लस, 3 टू ज़ा 6, 12 इंटू 1 12, क्लियर है। 4y माइनस 3y कितना आएगा, y आएगा, माइनस 4 प्लस 6 तो कितना आएगा, प्लस का 2, इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 12 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी, क्लियर है बेटा। तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई, बताओ कोई परेशानी हो उसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका जेड बाई 2 प्लस का जेड बाई 3 माइनस का जेड बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 10, ये रखा है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो क्या करोगे, 2 3 4 वेरिएबल एक तरफ है, ये जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 3 माइनस जेड बाई 4 एक तरफ है, आप क्या करो, आप इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम निकालोगे तो 2 3 4 कितना होगा, 2 3 4 तो 12 एलसीएम आएगा हमारा, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करोगे, 12 को 2 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, 6 इंटू जेड 6 जेड, ये जेड लिखा है मैंने, ठीक है, प्लस 12 को 3 से कराओगे तो कितना आएगा, 4, तो 4 जेड हो जाएगा, क्लियर है, माइनस 12 को 4 से कराओगे कितना, 3 जेड आएगा, तो 3 जेड, ठीक है बेटा, इक्वल टू 10, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, 6z प्लस 4z कितना होगा, 10z माइनस 3z इक्वल टू 12 इंटू 10 कितना होगा, 120, ठीक है, 10z में 3z जाएगा तो बचेगा 7z, क्लियर है, सामने कितना है हमारा, 120, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 120 अपॉन 7, ये आ गया, कट रहा हो तो फर्दर काट देंगे। अब ऑप्शन, अब कट तो रहा नहीं है, ऑप्शन पॉइंट में होगा पॉइंट में कर देना, ऐसे फ्रैक्शन में होगा फ्रैक्शन में दिखा देना, ज़्यादातर वैसे ऑप्शन फ्रैक्शन में ही होते हैं, अपना आंसर मैच करना है वहाँ पे, ठीक है, हमें क्लियर है, आ रहा है समझ में, और कॉन्फिडेंटली करना है सवाल, गलती नहीं करनी इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 3 प्लस का एक्स बाई 2 इक्वल टू 14, क्लियर है, ये रखा है मैंने क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना, देखो वेरिएबल एक तरफ है, अच्छी बात है वेरिएबल एक तरफ है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 4 3 2 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 4 3 2, तो कितना आएगा, 12 आएगा एलसीएम, अगर वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो साइड में लेके देख लेना, ठीक है। अब 12 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3, तो 3 इंटू एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x हो जाएगा माइनस, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू एक्स 4x, 12 को 2 से डिवाइड करो कितना, 6 आएगा, तो 6 इंटू एक्स 6x, सामने कितना है हमारा, 14, क्लियर है। तो बेटा 6x प्लस 3x कितना आएगा, 9x माइनस का 4x डिवाइड बाई 12 इक्वल टू कितना है हमारा, 14, क्लियर है। 9x 4x जाएगा कितना बचाएगा, 5x, ठीक है, तो 5x अपॉन 12 इक्वल टू 14, क्लियर है। अब यहाँ से हमें x वैल्यू निकालनी है, तो x वैल्यू कितनी आएगी, जब x वैल्यू सॉल्व करोगे, 14 इंटू 12 मल्टीप्लाई में आएगा और 5 हमारा डिवाइड में आएगा, ठीक है, आ रहा समझ में, तो 12 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, तो ये आएगा 8 6, तो 168 बाई 5, क्लियर है यहाँ तक, x की वैल्यू हमारे पास ही आ गई, लिख लो जल्दी से, नोट कर लो उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7, 9 होल 1 बाई 4 इक्वल टू y माइनस 1 होल 1 बाई 3, ठीक है,
इसे सॉल्व करना है। देखो y नंबर एक साथ है, इधर नंबर एक साथ है, मिक्स में रखे हैं, तो आप क्या कर लो पहले से प्रॉपर में कर लो, ठीक है। तो 9 4 का कितना होगा 36, 36 प्लस 1 कितना होगा हमारा 37 बाई 4 इक्वल टू वाई माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1 तो 4 बाई 3 आ जाए, क्लियर है। अब ये हमें y निकालना है, क्लियर है। तो क्या करोगे, नंबर एक तरफ करो तो निगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव हो जाएगा। देखो उसके आगे वाला साइन देखते हैं, इसका y का साइन बता सकते हो क्या होगा, y का साइन पॉजिटिव है, पीछे नहीं देखते आगे देखते हैं। y का पॉजिटिव, y का साइन क्या है पॉजिटिव, इसका साइन क्या है नेगेटिव, इसका साइन क्या है प्लस, सही है। तो जब ये नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 37 बाई 4 प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू कितना है हमारा वाई, 4 बाई 3 का एलसीएम लोगों कितना आएगा 12 आएगा, क्लियर है। जब 12 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, 3 इंटू 37 मल्टीप्लाई कर लो 21, 2 करिए 9 और 2 11, तो 111 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, 4 4 16 इक्वल टू वाई। तो बेटा 111 में 16 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 176, कितना 176, और नीचे कितना है हमारा 12 है, क्लियर है। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 28 से 16 फिर एक गया 16 हो गया, 28 से 16 2 6 जा, ठीक है, फिर 2 से काटोगे 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा तो 44 अपॉन 3 ये वाई की वैल्यू आ गई, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया बताओ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। तो x बाई 2 माइनस 4 बाई 5 प्लस x बाई 5 प्लस 3x बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 5, क्लियर है यहां तक, इधर रखा है सवाल हमें। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करोगे देखो वेरिएबल एक तरफ करो नंबर एक तरफ कर लो। देखो ये वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, माइनस 4 बाई 5 को सामने ले जाओ नंबर की तरफ तो कितना हो जाएगा प्लस, प्लस 4 बाई 5, ठीक है। तो x बाई 2 प्लस x बाई 5 प्लस 3x बाई 10 इक्वल कीजिए, इक्वल लिखते हैं, ठीक है 1 बाई 5, ये माइनस का दरा क्या हो जाएगा प्लस का 4 बाई 5, क्लियर है यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 2 5 10 एलसीएम कितना आएगा हमारा बताओ, 10 ही आएगा एलसीएम, है ना। तो 2 5 जो 10 फिर 5 आ जाएगा 5 5 तो 10 आएगा हमारा, ठीक है। और सामने कितना है 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो 1 प्लस 4 डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब 10 को 2 से कराओगे 5 तो 5 इंटू एक्स 5 एक्स प्लस 10 को 5 से कराओ 2 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 2 एक्स प्लस 10 को 10 से कराओगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 इंटू 3 एक्स कितना होगा 3 एक्स, 5 एक्स प्लस 2 एक्स 7 एक्स प्लस 3 एक्स कितना होगा 10 एक्स, क्लियर है। तो ये आएगा 10 एक्स अपॉन कितना है ये 10 इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 5, 5 से 5 काट दो कितना आएगा 1 आएगा, क्लियर है। 10 से 10 काट दो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है बात यहाँ तक, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस काफ़ी हैं, जितने क्वेश्चन कर लोगे उतने बेटर हो जाओगे, है ना। तो हमारा मोटिव यही है, क्वेश्चन 9, ठीक है। तो बेटा ये है x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट लगाए x प्लस 3 प्लस का x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, माइनस का 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ठीक है, क्लियर बेटा ये सवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, जब भी ब्रैकेट ब्रैकेट लगा होता है मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर है। तो x का इसमें कराना, x का इसमें कराना, फिर 2 का इसमें कराना, 2 का इसमें कराना, तो करा दो उसे। तो x में x कराएंगे तो x स्क्वायर होगा, x का 3 में कराएंगे तो प्लस का 3x प्लस 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 आएगा, 2 का x में कराएंगे 2x प्लस 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 आएगा, 2 इंटू 3 कितना होगा हमारा 6, क्लियर है। प्लस x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 2 तो कितना आएगा 2x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x 3x, क्लियर है। माइनस माइनस प्लस तो 3 2 6 हो जाएगा, क्लियर है, आ रहा समझ में बताओ। अब माइनस 2 का इसमें कराओ कितना आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो बेटा x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, इसमें से 2x का ख़त्म, कैंसिल आउट, तो लिख दे रहे 2x स्क्वायर
थ्री एक्स प्लस टू एक्स कितना होगा हमारा 5x प्लस 6 माइनस 2x माइनस 3x माइनस का 5x, ठीक है बेटा, प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर हमारा ख़त्म हो गया, क्लियर है। तो ये तो बिल्कुल सब खत्म हो रहा है, इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा। सॉरी, जब आप ये करोगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा माइनस प्लस माइनस 2x वन जा 2x 2x आ रहा है, ठीक है, तो ये माइनस 2x इक्वल टू जीरो। तो बेटा देखो 5x से प्लस से माइनस 5x कट जाए, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस का 2x है इक्वल टू जीरो है, तो 2x से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तरह के 2x, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 बाई 2 तो कितना आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, लिखो जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं इसमें, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10, ठीक है। टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस का 6x माइनस टू अपॉन 5 इक्वल टू रखा है बेटा 1/3, क्लियर है यहाँ तक, 1/3 में रखा है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है, बताओ कितना आंसर आएगा इसमें, जल्दी बताओ। तो ये कितना है हमारा 2x माइनस वन अपॉन 3, अब ये देखो माइनस लगा है, ब्रैकेट लगा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, या तो उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, कहीं भी ब्रैकेट लगा नहीं होता तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि माइनस लिखा है अंदर वेरिएबल है आपका 6x माइनस 2 6x प्लस 2 कुछ भी वेरिएबल अंदर, तो आपको माइनस लगा हुआ है बाहर, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 और 5 का एलसीएम लो, कितना आएगा बेटा 15 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 5, 5 का से मल्टीप्लाई 5 इंटू 2x माइनस 1 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा हमारा 5 15 से काटेंगे 3 आएगा, ठीक है, तो 3 इंटू कितना होगा 6x माइनस 2 इक्वल टू 1/3, क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो 5 का 2 में कराओ कितना 10 और इसमें कराओ कितना आएगा ये 10x माइनस 5, ठीक है, माइनस 3x 3 का इसमें कराओ कितना आएगा 18x माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू कितना है 1/3, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 10x और 18x माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 8x आएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, नीचे कितना है 15 इक्वल टू कितना है हमारा 1/3, क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा देखो, तो माइनस 8x प्लस 1 इंटू 3 3 का मल्टीप्लाई और 15 वन जा 15, क्लियर है, ये आ जाएगी बात, बताओ। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इसमें करेंगे, तो 3 का इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 एट जा 24x प्लस 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 3 वन जा 3 सामने कितना है 15, क्लियर है। तो बेटा इधर ले आओ 15 को, तो प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा इक्वल टू 24x इधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 15 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है बेटा, ये 24x, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 12 अपॉन 24, तो 12 वन जा 12 टू जा 24, क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2, क्लियर है, 12 जा 12 टू 24 तो माइनस 1/2 आ जाएगा, क्लियर है बात, बताओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, x माइनस 2x प्लस 8 अपॉन 3 ये रखा है, ठीक है, इक्वल टू 1/4 इंटू x माइनस 2 माइनस x अपॉन 6 माइनस 3, ठीक है, ये रखा है हमें बेटा, इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, करो कैसे करो जल्दी बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वेरिएबल x साइड कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा ये x माइनस 2x प्लस 8 अपॉन 3 इक्वल टू 1/4 का इसमें 1/4 का इसमें, ठीक है, क्लियर है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, तो जब इसमें 1/4 कराओ कितना आएगा x/4 आएगा, ठीक है, 1/4 का इसमें कराएंगे तो देखो कितना होगा
वन का इसमें कराओगे तो माइनस का टू माइनस एक्स तो रहेगा रहेगा, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस लगाया ना तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया माइनस। तो बेटा ये देखो कितना है आपका, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा था ना वन बाई फोर में बता रहा था, माइनस वन बाई देखो वन बाई फोर इंटू माइनस का इसमें कराएंगे तो वन बाई फोर देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा हमारा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर इक्वल टू कितना है माइनस थ्री साथ में, ठीक है, क्लियर है। वन बाई फोर का हमने एक्स में कराया, फिर वन बाई फोर का इसमें कराया तो प्लस माइनस तो माइनस रहेगा, और जब हम इसमें कराएंगे वन का इसमें कराएंगे ना टू माइनस एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है। और फोर 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 सिक्स कितना होगा ट्वेंटी फोर माइनस थ्री, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप इसके आगे, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब क्या करो आप एक वन साइड कर लो एक्स वाली टर्म को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स बाई थ्री माइनस टू एक्स प्लस एट बाई थ्री माइनस एक्स बाई फोर, ये प्लस हो जाएगा जरा के टू माइनस एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर, सामने कितना बचा माइनस थ्री बचा हमारा, क्लियर है सामने, ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अब थ्री थ्री फोर ट्वेंटी फोर, इसका आप एलसीएम ले लो कितना आएगा, ठीक है, जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, साइड में ले लो कन्फर्म हो लो पहले, थ्री थ्री फोर ट्वेंटी फोर, क्लियर है, थ्री वन ज़ा थ्री वन ज़ा वन ज़ा, ये फोर रहेगा और ये एट, थ्री एट ट्वेंटी फोर, ठीक है, फोर से काटोगे टू से काट दो, वन वन टू फोर, टू से काटोगे फिर वन और ये टू, तो ये आ गया हमारा टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर ही एल सी हमारा है, क्लियर है, कन्फर्म हो लिए हम, ठीक है। अब ट्वेंटी फोर को थ्री से डिवाइड कराओ कितना आएगा, एट आएगा, एट का सिमिलर लगाओ कितना आएगा एट एक्स माइनस थ्री, ट्वेंटी फोर को थ्री से डिवाइड करो कितना आएगा एट आएगा, एट का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, ठीक है, एट इंटू टू एक्स प्लस एट, क्लियर है यहाँ तक। माइनस ट्वेंटी फोर को फोर से कराओ कितना आएगा सिक्स आएगा, सिक्स इंटू एक्स, क्लियर है, प्लस का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कराओगे तो वन आएगा हमारा, कितना बचेगा टू माइनस एक्स, आ रहा समझ में, इक्वल टू माइनस थ्री, क्लियर है। ट्वेंटी फोर का मल्टीप्लाई सामने तो एट एक्स, एट का इसमें, एट का इसमें, सिक्स का इसमें, ठीक है, तो एट का इसमें कराओगे तो माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस प्लस माइनस एट एट जा सिक्सटी फोर, ये माइनस सिक्स एक्स ही रहेगा ऐसे, ठीक है, प्लस का टू माइनस एक्स, क्लियर है। ट्वेंटी फोर का माइनस थ्री में कराओगे कितना हो जाएगा, तो देखो जब प्लस का इसमें कराओगे माइनस तो आएगा ही, ट्वेंटी फोर थ्री और कर लो, ठीक है, तो ट्वेंटी फोर थ्री जब करोगे इसे तो थ्री फोर ट्वेल्व वन के रहेगा सेवेंटी टू आ गया, तो माइनस सेवेंटी टू, क्लियर है यहाँ तक, माइनस सेवेंटी टू आ गया, क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, एक्स एक्स वाले जो हैं एक तरफ रखो और नंबर एक तरफ भेज दो, तो देखो एट एम सिक्सटीन एक्स गया माइनस का एट एक्स बचेगा, माइनस एट एक्स माइनस सिक्स एक्स, तो माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस सेवनटीन एक्स हो गया, क्लियर है, सेवनटीन एक्स इजिकल टू माइनस सेवेंटी टू, 64 और प्लस 2 करोगे माइनस 64 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, 64 में 2 जाएगा तो हमारा 62 बचेगा माइनस का, क्लियर है। अब माइनस को उधर ले जाओ सामने तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 62, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो माइनस 17 एक्स, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 72 62 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी 10 अपॉन 17, कितना आएगा एक्स वैल्यू 10 अपॉन 17, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका, इसमें देखो एक बार चेक कर लेते हैं, ट्वेंटी फोर थ्री से करेंगे कितना एट एक्स आएगा हमारा, ट्वेंटी फोर थ्री से करा फिर से एट आ गया हमारा, ठीक है, और फोर से कटा तो हमारा सिक्स आ गया, ठीक है, सिक्स एक्स, ठीक है, और बेटा यहाँ पे करो ट्वेंटी फोर तो वन ही आएगा, ठीक है, तो एट एक्स एट इंटू टू सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू माइनस माइनस सेवेंटी टू, ठीक है, सही आ रहा है यहाँ तक। अब देखो सिक्सटीन एक्स माइनस एट एक्स तो माइनस का एट एक्स बचेगा, माइनस माइनस फोर्टीन एक्स माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन एक्स हो जाएंगे, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो सेवनटीन एक्स हो जाएगा माइनस का, सही है, क्लियर है, ठीक है, आ रहा समझ में, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक। तो क्वेश्चन जो है हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ट्वेल्व, क्लियर है, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, पॉइंट वन सिक्स, ठीक है, इंटू फाइव एक्स
माइनस टू इक्वल टू पॉइंट फोर एक्स प्लस सेवन, ये इधर रखा है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो बेटा सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पॉइंट वन सिक्स इसमें, पॉइंट वन सिक्स का इसमें, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट वन सिक्स इंटू फाइव कितना आएगा? एट आएगा, ये ना पॉइंट वन सिक्स इंटू फाइव, तो पॉइंट हटा दोगे टेन बढ़ जाएगा, नहीं हंड्रेड बढ़ जाएगा नीचे, सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड इंटू फाइव, ठीक है, सिक्सटीन फाइव का कितना होगा एट्टी, एट्टी अपॉन हंड्रेड, पॉइंट लास्ट में जीरो काटो पीछे जाएगा पॉइंट एट, क्लियर है? तो ये आ जाएगा पॉइंट एट एक्स, पॉइंट एट एक्स माइनस, इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा जीरो पॉइंट थ्री टू, बत्तीस, पॉइंट सिक्स इंटू टू कितना होगा प्लस माइनस माइनस, पॉइंट वन सिक्स इंटू टू तो कितना है पॉइंट थ्री टू, ठीक है, ये आएगा जीरो पॉइंट फोर एक्स प्लस सेवन, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो आप एक्स एक तरफ कर लो, एक्स को दल लिया उसको दल लिया, और निगेटिव इधर आके क्या जाएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव इधर आके, तो पॉइंट एट एक्स माइनस का पॉइंट फोर एक्स इक्वल टू सेवन, पॉइंट थ्री टू प्लस हो जाएगा इधर आके ऐड कर देंगे, क्लियर है? पॉइंट एट में पॉइंट फोर जाएगा तो पॉइंट फोर एक्स बचेगा इक्वल टू सेवन में पॉइंट थ्री टू ऐड करेंगे सेवन पॉइंट थ्री टू हो जाएगा, क्लियर है? एक्स इजिकल टू सेवन पॉइंट थ्री टू डिवाइड बाई, ये पॉइंट फोर है तो पॉइंट फोर नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो एक टेन बढ़ जाएगा, इसके दो पॉइंट हटाओगे तो हंड्रेड बढ़ जाएगा, क्लियर है? तो एक्स की वैल्यू सेवन थ्री टू इंटू टेन अपॉन फोर इंटू हंड्रेड, क्लियर है? दो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा, क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ समझ में आ रही है? अब क्या करो आप फोर से डिवाइड करो उसे, कितना आएगा सेवन थ्री टू, ये फोर है, फोर वन जा फोर, थ्री बचा थर्टी थ्री आ गया, फोर एट जा थर्टी टू, फिर ये बारह बचा, फोर एट जा सॉरी फोर थ्री जा ट्वेल्व, ठीक है, तो 183 आ गया, कितना आ गया ये 183 डिवाइड बाई 10, पॉइंट लास्ट में जीरो काटोगे पॉइंट पीछे जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 18.3, क्लियर है? ये आंसर आ गया 18.3, ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम उसमें, लिखो जल्दी से। पॉइंट में था इसलिए पॉइंट में आंसर निकाला हमने, वो ऑप्शन मैच कर लोगे अपना, ठीक है, जैसे जिस टाइप में आ रहा होगा, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा सवाल है, 17 माइनस थ्री एक्स बाई फाइव माइनस फोर एक्स प्लस टू बाई थ्री इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स एक्स प्लस का सेवन एक्स प्लस फोर्टीन अपॉन थ्री, क्लियर है? अब बेटा वेरिएबल एक तरफ कर लेना, समझ में आई बात? वेरिएबल एक तरफ कर लेना, ठीक है, ये फाइव एक्स है सेवन एक्स बाई फोर्टीन है, तो वेरिएबल एक साइड कर लो सबसे बढ़िया, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवनटीन माइनस थ्री एक्स बाई फाइव माइनस फोर एक्स प्लस टू बाई थ्री, उधर लिया उठा के भाई, प्लस का सिक्स एक्स हो जाएगा, ये पूरा माइनस, प्लस लगाया पूरा माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, सेवन एक्स प्लस फोर्टीन, ठीक है, डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू कितना पाँच बचा, क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे कितना है हमारा वन, ठीक है, तो क्या होगा फाइव थ्री वन थ्री, तो कितना आएगा ये पाँच तीन तीन, कितना आएगा हमारा पंद्रह आएगा, ठीक है, फिफ्टीन को फाइव से डिवाइड करो कितना आएगा थ्री जा, तो यह थ्री आ जाएगा थ्री टाइम्स सेवनटीन माइनस थ्री एक्स, फिफ्टीन थ्री से करोगे फाइव आएगा फोर एक्स प्लस टू, फिफ्टीन से वन से डिवाइड करोगे कितना आएगा फिफ्टीन आएगा फिफ्टीन इंटू सिक्स एक्स, थ्री से को थ्री को फिफ्टीन से करोगे कितना आएगा थ्री को डिवाइड करो फिफ्टीन से कितना आएगा बताओ, तो बेटा माइनस का ये जब करोगे फिफ्टीन को थ्री से डिवाइड करो फाइव, तो फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू सेवन एक्स प्लस फोर्टीन, क्लियर है, इक्वल टू कितना है हमारा फाइव है, क्लियर है? अब आप थ्री को मल्टीप्लाई करो उसमें कितना आएगा जल्दी बताओ, तो थ्री का इसमें करोगे सेवनटीन में तो कितना आएगा फिफ्टी फोर आएगा, फिफ्टी फोर नहीं फिफ्टी वन, क्लियर है, फिफ्टी वन माइनस थ्री इंटू थ्री कितना नाइन एक्स माइनस फाइव फोर था ट्वेंटी एक्स, क्लियर है, माइनस प्लस माइनस फाइव टू जा टेन प्लस फाइव फिफ्टीन सिक्स जा कितना होगा नाइन्टी, तो नाइन्टी एक्स आएगा, क्लियर है, माइनस प्लस माइनस फाइव सेवन जा थर्टी फाइव एक्स, क्लियर है, माइनस प्लस माइनस फाइव फोर्टीन जा कितना होगा हमारा सेवेंटी, क्लियर है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये डिवाइड बाई फिफ्टीन था तो फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई हो गया, फिफ्टीन को हमने फाइव मल्टीप्लाई किया कितना आ गया सेवेंटी फाइव, क्लियर है? अब आप एक्सेस वाले सॉल्व कर लो, नंबर एक तरफ कर लेना, तो फिफ्टी वन माइनस टेन, ये टेन है हमारा, टेन था ना ये,
हाँ 10 है ठीक है, 51 माइनस 10 तो कितना बचेगा हमारा 41 ठीक है, तो लिख दो 41 माइनस ये कितना है 70, नंबर एक साइड कर लेते हैं पहले ठीक है, 9 माइनस 9x माइनस 20x तो कितना हो जाएगा माइनस का 29x प्लस 90 माइनस 35 कितना बचेगा बताओ, 90 35 हटाओगे तो 10 में 5 गया 5, 8 में 3 गया 5, 55 ठीक है बेटा समझ में आ रहा है, और इक्वल टू 75 क्लियर है। अब ये घटा लूँ तो बेटा 70 में से 41 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से गया 9 और यहाँ 6, 6 में चढ़ गया तो 2, 29 तो माइनस 29 माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 5 और 9 कितना होगा 14, 1 के रह जाएगा 5 और 2 7 और 1 8, 84x सामने कितना है हमारा 75 ठीक है क्लियर है, 75 को उधर ले जाओ तो माइनस का 29 माइनस 75, 84 माइनस उधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 75 29 9 और 9 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ 14, 1 के रह गया 104 ठीक है, तो माइनस का 104 सामने कितना है हमारा 84x क्लियर है, तो x निकालना है हमें तो माइनस 104 अपॉन 84 4 से काटो तो कितना कटेगा ये 4 टू ज़ा 8 फिर कितना 24 बचेगा 4 6 ज़ा 24 4 टू ज़ा 4 1 ज़ा ठीक है 26 अपॉन 21 माइनस 26 अपॉन 20 में इसका आंसर आएगा क्लियर है, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है इसकी ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ गया क्लियर है, तो वन साइड कर लिया करो उसको, वन साइड जब कर लोगे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्लियर है ठीक है। बताओ अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का ठीक है, फिर वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, क्वेश्चन 9 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, आ रहे समझ में, क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व x प्लस 2 बाई 3 माइनस का x प्लस 1 बाई 5 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 क्लियर है, ये दे रखा है हमारे पास ठीक है बेटा, सॉल्व करना है x वैल्यू निकालनी है ठीक है, यहाँ से मिलो वहाँ से मिलो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तो ले लो तो एक साइड भी कर सकते हो चाहो तो एक साइड एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा ठीक है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम, 15 को 3 से बड़ा करो 5 आएगा तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो 5 इंटू एक्स प्लस 2 क्लियर है, माइनस 15 को 5 से कराओ 3 तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, अब इसमें एलसीएम लोगे 4 इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ही तो है 4 1 जा 4 4 का एलसीएम 4 आएगा 4 का इसमें 1 का इसमें तो एक्स माइनस 3 और 4 1 जा 4 क्लियर है, ये आ गया ठीक है, तो बेटा सॉल्व कर लो ऊपर 5 का इसमें करा दो 5 का इसमें करा दो 3 का इसमें 3 का इसमें क्लियर है, तो 5 इंटू एक्स कितना होगा 5x 5 इंटू 2 कितना होगा हमारा 10 माइनस 3 का इसमें तो माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 ठीक है डिवाइड बाई कितना है 15 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4 कितना होगा माइनस 7 डिवाइड बाई कितना है 4 क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ठीक है। अब 5x में 3x जाएगा कितना बचेगा 2x बचेगा 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा प्लस का ठीक है, नीचे कितना है 15 इक्वल टू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 4 4 का मल्टीप्लाई 4 इंटू 2x प्लस 7 और 15 इंटू एक्स माइनस 7 क्लियर है, ये आ गया बताओ समझ में आ रहा है। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 15 का 4 टू ज़ा 8x प्लस 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 4 7 ज़ा 28 15 का इसमें करो 15x आएगा क्लियर है, प्लस माइनस माइनस 15 टू 7 कितना होगा 7 5 35 3 के रह गया 7 7 7 7 और 3 10 105 ठीक है बेटा, ये आ गया 105 ठीक है। अब x वाले एक तरफ कर लो उसको ले जाओ उसको ले जाओ 28 में 105 ऐड हो जाएगा 105 माइनस का है तो आगे प्लस हो जाएगा 15x है 8x से आगे माइनस हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक, 15x में से 8x जाएगा कितना बचेगा हमारा जल्दी बताओ 7x ठीक है, और ये ऐड कर लो 8 प्लस 5 13 1 ठीक है 3 105 प्लस 28 क्लियर है 13 और 3 133 ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 133 डिवाइड बाई 7 तो 7 से काटोगे 7 द 7 ठीक है 13 में 7 माइनस करोगे कितना बचेगा तुम्हारा 6 बचेगा है ना 63 7 63 तो 19
एक्स वैल्यू एंड एंट्री आएगी, क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो, एक साइड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है? तो बेटा उसको ध्यान से एक्यूरेसी के साथ करना है, बिल्कुल कोई गलती ना हो, ठीक है? आ रहा समझ में? इसमें कभी कभी क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है थोड़ा, हम काफ़ी देर से कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारा मिसमैनेज हो जाता है, मतलब थोड़ा एक्यूरेसी के साथ साथ कि हमसे थोड़ा कोशिश करना है, गलती ना हो उसमें, ठीक है, क्लियर है? वहाँ सवाल जो होगा, एक सवाल तो ऐसा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, इक्वेशन टाइप में, ठीक है, आ रहा है समझ में? कुछ आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो, इसमें एंटिटी भी यूज़ होगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो बेटा सवाल ये है कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर आ गया इसमें, सही है, आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा भैया 8x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 22, क्लियर है? तो इसका होल स्क्वायर खोलो, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलो, कितना आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab 2x इंटू 3, क्लियर है? प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ए कितना है 2x और बी कितना है 3, ठीक है, इक्वल टू, अब 8x का इसमें, 8x का इसमें, 6 का इसमें, 6 का इसमें, 8x इंटू एक्स कितना होगा? 8x स्क्वायर, 8x इंटू माइनस 1 कितना होगा? माइनस का 8x, प्लस 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 6 इंटू एक्स 6x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 6 × 6 प्लस का 22, क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्वायर खोलो, 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 2 × 4 = 12, तो 12x आ गया, क्लियर है? 2 का स्क्वायर कितना? 4x स्क्वायर, क्लियर है? प्लस का 3 स्क्वायर कितना? 9 माइनस 2 × 4 = 12, 12x सामने कितना? 8x स्क्वायर माइनस 8x 6x कितना होगा? माइनस का 2x होगा, क्लियर है? माइनस प्लस माइनस 22 में 6 जाएंगे कितना बचेगा बताओ? तो प्लस का 16, 16, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है, ठीक है? अब देखो 4x² कितना होगा? 8x², क्लियर है? प्लस का, अब ये देखो कितना है, 12x और माइनस 12 कट जाएगा, 9 + 9 कितना होगा? 18, इक्वल टू यहाँ कितना है? 8x² है माइनस 2x प्लस 16, 8x² से 8x² कट जाएगा जरा के, ठीक है, यहाँ कितना बचा? 18 बचा, इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है, 16 को उधर ले जाओ तो माइनस 16 हो जाएगा जरा के, 18 में 16 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 18 माइनस 16, 16 जरा के माइनस हो जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो माइनस का 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 / -2, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा? -1, x की वैल्यू -1 आ गई, क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आइडेंटिटी यूज हुई है, हमने करा, ठीक है, तो x की वैल्यू -1 आ गई हमारी, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है, मॉड्यूल्स में भी सवाल, और भी कोई बुक फॉलो कर रहे हो उसके भी करना, ठीक है, एनसीईआरटी के अच्छे से कर लेना, ठीक है, कुछ सवाल एनसीईआरटी के रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी करना अच्छे से। तो बेटा बढ़ते हैं आगे इसमें, तो अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 16 है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम करा रहे हैं, अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108, क्लियर है यहाँ तक? फाइंड इट इसे फाइंड करना है, क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा क्या करना है इसमें, देखो बहुत आसान है, नंबर सजेस्ट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84, एक नंबर है कि ऐसे कि 84 से ज्यादा है, एज इट इज लेस देन 108 फाइंड इट, ठीक है, नंबर सच दैट इट इज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108 फाइंड इट, ठीक है, समझ रहे हो? एक नंबर है इस सच दैट इज एज मच ग्रेटर देन 84 से उतना बड़ा है वो, चलो नंबर को मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, जो नंबर था उसे हमने एक्स मान लिया, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये क्या बनेगी, अ नंबर सच दैट इज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108, ठीक है, तो एक्स माइनस 84 इक्वल टू 108 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा,
एक नंबर है, नंबर इज सच दैट इट इज मच ग्रेटर देन 84. 84 से कितना, मतलब कितना वो है, ग्रेटर है, ठीक है. तो x माइनस 84 इक्वल टू एज इट इज लेस देन 108. 108 से उतना ही लेस है, जितना 84 से बड़ा है उतना ही 108 से लेस है. तो इसका डिफरेंस, का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा हमारा x माइनस 84 और 108 माइनस x, तो हमारा बराबर आएगा ये, ठीक है. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. बेटा x एक तरफ कर लो, तो x प्लस x हो जाएगा और 108 प्लस 84, तो x प्लस x 2x हो जाएगा. तो 108 में 84 ऐड कर दोगे तो 8 प्लस 4 कितना होगा बेटा, 12 होगा. 1 कह दिया गया, 192, ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 192 डिवाइड बाई 2, क्लियर है. तो 2 9 18 और ये 6, तो x की वैल्यू 96 आ गई, क्लियर है. बताओ कोई परेशानी हो, समझ में आ रहा है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब 96 84 से उतना ही बड़ा है जितना 108 से छोटा है वो, क्लियर है. 96 नंबर हो गया हमारा, ये सवाल ये था, ठीक है. अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड, ऑफ इट्स थर्ड फिर कॉमा क्वार्टर एंड 1/12, एंड 1/12 फाइंड इट, इसे फाइंड करना है, फाइंड इट, क्लियर है. नंबर इज 56, अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12 फाइंड इट, इसे फाइंड करना है, क्लियर है यहाँ तक. बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है. तो बेटा सवाल करोगे कैसे होगा, नंबर है 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12, ठीक है. नंबर इज 56 ग्रेटर, नंबर जो है 56 ज्यादा है, अब उसके एवरेज, एवरेज क्या है, 1/3 का, क्वार्टर का, 1/12 का, फाइंड इट, उसे हमें फाइंड करना है. तो बेटा 1/3 कितना होगा नंबर, बताओ 1/3 नंबर कितना होगा. तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को हमने एक्स मान लिया, नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर एंड 1/12 फाइंड इट, ठीक है. तो बेटा 1/3 क्या होगा, अगर हम 1/3 नंबर निकालेंगे तो 1/3 कितना होगा, x बाई 3, तो x इंटू 1/3, क्वार्टर पूछ रहा है, क्वार्टर नंबर क्या होगा, क्वार्टर, तो x बाई 4 होगा, x इंटू 1/4. अब 1/12 कितना होगा, 1/12, ठीक है, तो कितना होगा, x बाई 12, क्लियर है. आ रहा है समझ में. अब ये कह रहे हैं नंबर 56 ग्रेटर, नंबर जो है 56 ज़्यादा है किससे, देन द एवरेज ऑफ थर्ड क्वार्टर एंड 1/4, तो x बाई 3 प्लस x बाई 4 प्लस का x बाई 12, क्लियर है यहाँ तक. इनके एवरेज, इनका एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई 3, ठीक है. तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 1/3 कर दें, एक ही तो बात है, ठीक है. मैं इनका एवरेज ले रहा हूँ ना, सम करा मैंने, 3 से डिवाइड करा, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 1/3 ले सकते हैं बाहर, क्लियर है. बताओ जैसे हमारा नंबर होता है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तीन नंबर का एवरेज निकालते, 3 से डिवाइड कर देते हैं हम 3 से, ठीक है. अब ये तो हमारे पास सम में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, क्लियर है. लिख दिया मैंने इस फॉर्म में, क्लियर है यहाँ तक. तो 1/3 मैंने बाहर लिख लिया, प्लस ये कह रहा है कि जो नंबर है वो 1/3 का, 1/4 का, 1/12 का एवरेज से कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, 56 ऐड कर देंगे, तब इसके एवरेज में हम 56 ऐड करेंगे तो नंबर आता है, समझ गए, ये चीज़ है. तो x इज इक्वल टू बेटा इसमें करो मल्टीप्लाई, 1/3 का इसमें करोगे तो x 1 तो x होगा, 3 का कितना होगा 9, प्लस 1 का इसमें करोगे x 1 x, 3/4 12, प्लस 1 का करोगे x में तो x आएगा, और 3 का 12 में करोगे तो कितना आएगा 36 प्लस 56, क्लियर है. आ रहा है समझ में. अब क्या कर लो बेटा, एलसीएम ले लो, है ना. तो x बराबर एक, चलो एक तरफ नहीं कर रहा, हम यहीं कर लेते हैं, 12 36 9, ठीक है. तो देखो 9 12 36 का एलसीएम कितना आएगा, 9 12 36,
ठीक है, थ्री थ्री ज़ा, थ्री फोर ज़ा, वन ज़ा, टू ज़ा, ठीक है, थ्री वन ज़ा, फोर ज़ा, फोर ज़ा, वन वन, फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स एलसीएम हो रहा है, ठीक है, थर्टी सिक्स नाइन टेन थर्टी सिक्स आएगा तो कितना आएगा, फोर एक्स प्लस, ट्वेल्व थर्टी सिक्स काटोगे कितना आएगा बेटा, थ्री एक्स आएगा प्लस, थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स काटोगे तो वन आएगा, ठीक है, तो यहाँ एक्स आ गया प्लस का कितना है फिफ्टी सिक्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, पूरे का ही एलसीएम ले लो फिर, पूरा मत लो, ठीक है, फिफ्टी से हमने अलग रख दिया, ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, x इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री एक्स सेवन एक्स प्लस एक्स एट एक्स, एट एक्स अपॉन थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी सिक्स, क्लियर है, इसको जब ले आओ एट एक्स को सामने, ठीक है, जब इसको सामने लाओगे तो कितना हो जाएगा ये, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा एक्स एट एक्स चला के माइनस हो जाएगा एट एक्स बाई थर्टी सिक्स इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, ठीक है, नीचे कितना है वन, थर्टी सेवन का एलसीएम थर्टी सिक्स आएगा, ठीक है, थर्टी सिक्स में वन इसमें थर्टी सिक्स एक्स माइनस एट एक्स सामने कितना है फिफ्टी सिक्स, ठीक है, आ रहा समझ में, थर्टी सिक्स में से एट घटाओ कितना बचेगा बताओ, तो थर्टी सिक्स में से एट घटेगा कितना, सोलह में से आठ गया आठ बचेगा तो ट्वेंटी एट, ठीक है, तो ट्वेंटी एट एक्स इक्वल टू फिफ्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स, एक्स वैल्यू कितने आएगी फिफ्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी एट, क्लियर है, सेवन से काटो सेवन एट फिफ्टी सिक्स और सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, फोर वन ज़ा और फोर से काटो फोर नाइन ज़ा, फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है, तो नाइन एट ज़ा कितना होगा सेवेंटी टू, सेवेंटी टू आंसर आ गया, क्लियर है यहाँ तक, तो इसका आंसर है सेवेंटी टू, तो ये ऑप्शन भी होगा हम मैच करा लेंगे, ठीक है, तो 72 ऑप्शन में है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर करने की कोशिश करना उसे, क्वेश्चन 18 अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर लिखते जाना, ठीक है, और नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में आ सकता है सवाल ऐसा, और नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, ठीक है, हू सम, जिसका सम कितना है, हू सम इज एट, उसका सम कितना है एट है, ठीक है, फुल स्टॉप, इफ एट एटीन इज एडेड, अगर एटीन हम ऐड करते हैं, एटीन इज एडेड टू द नंबर, एटीन इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, इट्स डिजिट इज रिवर्स, की डिजिट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, फुल स्टॉप, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, क्लियर है, बताओ, तो बेटा कैसे करोगे, सवाल लिखो उससे फिर से, सॉल्यूशन है इसका, देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल है, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू एट नंबर, एक नंबर है टू एट है, ठीक है, वंस प्लेस टेंस प्लेस, ठीक है, हूज सम इज 18, तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस सम कितना है 18 है, क्लियर है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 हम ऐड करेंगे नंबर में, इट्स डिजिट इज रिवर्स, का डिजिट रिवर्स हो जाता है, ठीक है, फाइंड द नंबर, तो नया नंबर क्या होगा ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, क्लियर है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डेट, ठीक है, तो टू डेट का नंबर है, वंस प्लेस होगी टेंस प्लेस होगी, तो लिख लो, लेट द वंस प्लेस भी एक्स मान लो, तो टेंस प्लेस कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स, क्लियर है, हमने कहा भी लेट दी वंस प्लेस, लेट दी वंस प्लेस डिजिट बी एक्स, ठीक है, देयरफॉर तो टेंस प्लेस डिजिट का सम कितना होगा प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा बताओ, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8, कितना आएगा हमारा 8 आता है, सम कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर हूज सम इज 8, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, दो डिजिट का नंबर है उसके डिजिट का सम कितना है 8 है, तो टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट इसका सम कितना 8 है, तो बेटा टेंस प्लेस को तो हमने निकालना है, ठीक है, तो टेंस
डायरेक्ट भी कर लोगे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, टेंस प्लेस डिजिट। तो टेंस प्लेस डिजिट कितनी होगी, हमेशा क्या करना है, इसको एक्स मान लेना, तो ये कितना हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है बेटा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करा दो उसमें, 10 का जब कराओगे तो 8 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस का यूनिट प्लेस कितनी थी, एक्स थी हमारी। टेंस प्लेस को 10 से कर देते हैं, यूनिट प्लेस को 1 से करते हैं, एक्स इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। तो ये आ जाएगा 10 का इसमें कराओगे तो कितना होगा, 80 माइनस 10x प्लस एक्स, तो कितना बचेगा, 80 माइनस 9x। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, जब हम रिवर्स नंबर निकालेंगे, उल्टा नंबर इसका, रिवर्स नंबर, जब रिवर्स नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला यूनिट प्लेस टेंस पे आ जाएगा, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, तो 10 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू 8 माइनस एक्स। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 8 वन जा 8 माइनस एक्स वन जा एक्स। क्लियर है। तो 10x में एक्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 9x प्लस 8। क्लियर है, 9x प्लस 8, रिवर्स नंबर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इट डिट इज रिवर्स। जब 18 हम नंबर में एड करते हैं, डिट रिवर्स हो जाती है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 80 माइनस 9x, ये रहा ओरिजिनल नंबर हमारा। जब इसमें हम कितना ऐड कर देते हैं, 18 ऐड करते हैं, तो हमारा नंबर रिवर्स हो जाता है, डिजिट इज रिवर्स्ड। तो रिवर्स होकर नंबर कितना, इतना बन जाता है, 9x प्लस 8। तो हमें नंबर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, x वाले एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ, 80 प्लस 18 कितना होगा हमारा, 98। ठीक है, सॉरी 98 क्यों, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 1 9, हाँ 98। क्लियर है, 98। ठीक है, और 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके 9x को उधर लिया होगा, कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। तो ये हमारा 90 बचेगा, और ये कितना है हमारा, 18x। तो बेटा x निकालोगे तो 90 अपॉन 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 5 जा 90। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब 5 आप यहाँ उठा के पुट कर दो रिक्वायर्ड नंबर में। क्लियर है, जब 5 यहाँ पुट करोगे तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा, 80 माइनस 9x था, तो 5 यहाँ पुट कर दिया, तो 80 माइनस 95 का कितना है हमारा, 45। तो कितना बचेगा, 80 45 जाएगा, तो कितना, 35। क्लियर है। तो 35 रिक्वायर्ड नंबर था, 5 प्लस 3 कितना था हमारा, 18 था। ठीक है, क्लियर है। डेट का सम कितना था हमारा, 8 था, सॉरी 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर 1 है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2 में जब हम लेंगे तो उसके आगे क्वेश्चन हम कराएंगे, बट प्रॉब्लम और। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना सही से। ठीक है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।